मॉर्निंग फ्रॉम सहस्त्रधारा। कितना सुंदर नज़ारा है। अर्ली मॉर्निंग, बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, अभी मौसम खुला हुआ है। आज का सीधा हमारा स्टे रहेगा सतोपंत लेक में। देखिए पहाड़ों पे कितनी बर्फबारी हुई है, ग्लेशियर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे पहाड़ों पे। हमें आज वो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के फिर एक और चढ़ाई है तो सतोपन पहुंच जाएंगे। सहस्त्रधारा में नकुल जी ने अपने प्राण त्यागे थे सत्य के पथ पे, जब पांडवास चल रहे थे तब। लक्ष्मीवन ने सहदेव जी ने माना गांव में, द्रौपदी जी ने, और यहाँ पे सहदेव जी ने। आगे चक्रतीर्थ है, चक्रतीर्थ के बाद सतोपंथ, सतोपंथ के बाद स्वर्गारोहिणी आता है। ये एक जो यह यात्रा है, कैंपिंग वगैरह के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। एक ये मेरी स्पिरिचुअल यात्रा है, तो ये स्पिरिचुअल यात्रा को हम स्पिरिचुअल ही रखें। यहाँ अगर आप सोचते हो ये वगैरह वीडियो देख के कि आप आके कैंपिंग करोगे, ये मस्त ना, ये कैंपिंग के लिए नहीं है। ये हमारा सत्य का पथ है, स्पिरिचुअल है, तो वही धार्मिक भावना लेके आइए। नीलकंठ के दर्शन हो गए। खतरनाक चढ़ाई करके आ रहे हैं हम। ये पूरा जो सामने दिख रहा है आपको, पूरा बोल्डर के अंदर ग्लेशियर है। वो सामने चौखंबा, ये छोटे बोल्ड वाटर क्रॉसिंग है। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं चक्रतीर्थ। अर्जुन ने यहाँ देह त्याग करेंगे। अर्जुन ने यहाँ देह त्याग किया था। एक 360 डिग्री व्यू ले लिया। ये पूरा पार्वती ग्लेशियर है और ये पूरा सतपुतम ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर के ऊपर से हमें जाना पड़ेगा और ये हाईएस्ट पीक है, कितना, 4440 मीटर की हाइट पे हम। ये हाईएस्ट पीक है ये सतोपंत ट्रैक का। वो पूरा सतोपंत ग्लेशियर है और वहाँ पे वो वाला कौन सा है, वो चौखंबा है। वो चौखंबा बहुत अंदर बहुत लंबा है, ये पूरा चौखंबा है। और वहाँ कहाँ पे, वो जो सामने बर्फ दिख रहा है ना, वो स्वर्गारोहिणी है। अच्छा देख रहे हैं ना, वो बालाकुंड पीक है। अभी तो बादलों के कारण आप नहीं दिख पाओगे। एक्सपीडिशन भी होती है उनकी, 13-14 दिन की
नीलकंठ पर्वत की भी होती है, पार्वती ग्लेशियर का भी होता है। पूरा ग्लेशियर पार करके हमें जाना है, बहुत टफ है बट करना है। बड़े पत्थर के नीचे ग्लेशियर है, बहुत डेंजरस है बट धीरे धीरे पार करना है। मैं वहाँ ऊपर था, वहाँ से इस तरह से नीचे आना है। और ये सब आपको जो बोल्डर दिख रहा है ना, उसके नीचे पूरा ग्लेशियर है। ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। अगर एक बार ये एक पत्थर अगर खिसक गया ना, तो पूरे पत्थर नीचे आएंगे और आपकी बचने की उम्मीद नहीं रहेगी। ये देखो ये कैसे आ रहा है, पूरा स्लिपरी है ये सब। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा सीन है यहाँ पे। देखो ये ऐसे बस पत्थर के बीच से आना पड़ेगा, रास्ता ही नहीं मालूम है कहाँ जाना है। बस कुछ मार्क्स की है जैसे ऐसे, उसके से आ रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आगे तक कोई नहीं दिख रहा है, ऊपर वो ध्वजा है वहाँ तक जाना है। बस ऐसा ही रास्ता है, अपने आप रास्ता तय करना पड़ेगा आपको। और ये बहुत रिस्की रास्ता है। बहुत रिस्की है, ये सब अंदर ग्लेशियर छुपा हुआ है पत्थर के नीचे। खुशी के आंसू है, इट वॉज नॉट इजी फॉर मी बट आई डिड इट।